सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ रेवसा सीतापुर प्रेम बात पे एक रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये रेवसा CSC के प्रांगण की ट्रांसफार्मर की तस्वीर है, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि 17 फरवरी 2020 को एक गौवंश की चपेट में आने से मौत हो गई थी और ये काफ़ी नीचे रखा हुआ था नज़दीक परिसर में, जो कि खुले आसमान के नीचे मौत का दावा दे रहा था। वहीं पर इस खबर को बड़ी प्राथमिकता के तौर पर YouTube चैनल पर चलाई गई और खबर छपने के बाद जिम्मेदार हरकत में आए और खबर का असर हुआ और इस ट्रांसफार्मर को साइड में एक लोहे का एंगल लगा करके खंभे के साइड में ऊंचा करा दिया गया है, और जिसके लिए लोगों ने रेवसा CSC प्रभारी को बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है, और क्योंकि खबर को संज्ञान में लिया और अगर इससे ऊंचा कराने से अब एक खतरा टलता नज़र आ रहा है, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा था। आप देख सकते हैं ये YouTube चैनल पर चली खबर का असर। खबर का हुआ असर, YouTube चैनल की खबर का हुआ असर, आप देख सकते हैं ये वही ट्रांसफार्मर है जिससे गत दिनों 17 फरवरी 2020 को एक मवेशी की जान चली गई थी, और ये ट्रांसफार्मर वही है जो रेवसा CSC के अंदर परिसर प्रांगण में खुले के आसमान के नीचे मौत को दावत दे रहा था कुछ दिन पहले। लेकिन जब एक मवेशी की जान चली गई और काफ़ी एक चर्चा का विषय बना और इस खबर को प्राथमिकता के तौर पर एक YouTube चैनल पर चलाई गई, और खबर चलने के बाद विभागीय अधिकारी और जिम्मेदार हरकत में आए और फिर इसको ऊँचे करा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये YouTube चैनल की खबर का हुआ असर।